वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। और घर के काम तो आप लोगों को पता है, हम लेडीज़ों का काम बहुत होता है, खाना कपड़ा बर्तन के अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो आज मैं फ़ैन की सफाई कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, मतलब काम पेंडिंग चढ़ता है, पर अगर गंदगी हो ना तो आज कल करते करते मैं कर ही लेती हूँ, क्या करूँ, गंदा अच्छा नहीं लगता ना घर पर। और आज लगी हूँ तो सफाई करने का तरीका आप लोगों को बताती हूँ। ये ना तकिया का कवर मैं ली हूँ, और देखो इसको एक एक जो है ना, एक एक पंखुड़ी है जो पंखे का एक एक पार्ट है, उसमें ऐसे कवर को पूरा अच्छी तरह से ढककर, और उसी में से सारा मतलब इसका जो डस्ट है ना फैन के अंदर, वो कवर के अंदर ही आ जा रहा है। ऐसे करने से क्या है, बेड पे भी बिल्कुल भी मतलब ये जो जाला और धूल मिट्टी होते हैं ना पंखे में, वो नीचे नहीं गिरता है। और देखो कितना सारा निकल गया। तो इस टाइप से पहले मैं सारा डस्ट निकाल दी हूँ कवर को, तीनों जो उसके तीनों पल्ले थे उसमें डाल डाल कर। और ये देखो, ये थोड़ा सा बस एक छोटा सा गिर गया था, थोड़ा सा गंदा गिर गया था, थोड़ा सा बस। और उसके बाद ये कपड़े में सबसे पहले आप लोगों ने देखा मैं सर्फ़ डाली थी, कोई रेसिपी नहीं बता रही थी, सिंपल पानी में थोड़ा सा सर्फ़ डालकर, आधा चम्मच सर्फ़ डालकर, और फिर ये फ़ैन को साफ कर ली। तो ये चमक गया मेरा फैन। और उसके बाद का आप लोग खुद ही सुनो क्या लिख रहे हो। ये वी फॉर वेरी गुड, डॉट 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 किया हुआ है, हैं वी फॉर वैन के बाद डब्ल्यू फॉर हैं वॉच। आपका हो गया, लर्न करने दी थी ना आपको, नहीं हुआ तो करो जल्दी, नींद आ रही है, पर इनको पढ़ाना जरूरी है, पता नहीं क्यों। ओए लिखो शांत से, जब भी बैठती हूँ पढ़ाने मुझे बहुत तेज़ नींद आती है, नहीं बैठूँ पढ़ा देना ये पढ़ेगी नहीं, सोचती हूँ सब कुछ छोड़ दूँ। लेकिन एक दिन गैप होता ना, दूसरे दिन में बोलती नहीं बच्चे नहीं पढ़े, पढ़ना जरूरी है। देखो पेज भी निकल गया, इनका यही सब ना बदमाशी चलता रहता है। अब पिटाई बहुत कम करती हूँ पर गुस्सा बहुत आता है। पीटूँ? ओए मुंह में पेंसिल क्यों लिया तूने, चलो बैठो लिखो, तेज निकल गया, चलो कंप्लीट करो ये। क्या लिख रहे हो, बोल बोल कर लिखो। इधर ध्यान मत दो, सब तुम्हें पसंद कर रहे ना, बहुत क्यूट हो, तो आज दिखाती हो क्यूटनेस की दुकान, कितना क्यूट है ये। इधर इधर सब आंटी और दीदी और सब दोस्त लोग सब तुम्हें देख रहे हैं। देखो ये घुस जाएगा फोन में, बताओ ये क्या है। पीपा है मेरा। हैं ये नहीं, ये आपने ई लिखा है ना, ई के बाद वो क्या है, डॉट डॉट में क्या हुआ सब लिख रहा है, ये क्या है बताओ। नहीं मैं बना, क्या है बोलो, पढ़ाई चल रही है, एक उधर चला गया साइड में, अभी लिख कर दिखाएगा। इधर आ पास में आ, मेरे तीन बंदर, गांधी जी के तीन बंदर होते हैं ना, मेरे ये तीन बंदर है। आप कौन से बंदर हो, एक होता बुरा नहीं देखना, एक बुरा नहीं सुनना और एक बुरा नहीं बोलना, तो आपको कौन सा पसंद है, बुरा नहीं बोलना। मुंह पे हाथ रखो फिर, ये हुआ बुरा नहीं बोलना। तीनों का मतलब क्या होता है, बुरा नहीं देखना, बुरा ना नहीं बोलना, बुरा ना सुनना। अच्छा, और वो कौन है, वो कौन सा बंदर है, बुरा ना देखना, ये छुपा जा रहा है, नहीं ये बुरा ना सुनना। गिरते गिरते बच गया, मम्मी के बात नहीं मानने से ना ऐसे भगवान जी गिराते रहते बच्चों को, जो बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते ना, देखो गिर रहा है, बेड के साइड में खड़ा है, देखो आ जाओ जल्दी। और अब हो गई है शाम, तो मेरी इवनिंग रूटीन भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पालक है मैं साफ कर रही हूँ, तो बच्चों को ऐसे पालक की सब्जी दो, या तो ना तो नौटंकी करते हैं खाने में, मेरा छोटा वाला बेटा बस बदमाशी करता है, दोनों बेटियाँ तो खा ही लेती है,
तो मैं ना उसको पालक का जूस आज बना के दे रही हूँ कि कुछ तो खाए, मतलब बच्चे वाला घर है ना, तो ऐसा करती रहती हूँ कि बच्चे कुछ हेल्दी सा खाए पिए। तो अब इसका ना मैं जूस बनाऊँगी। ये शाम का टाइम है, अब इसे भूख लग गई है, तो मैं पहले इनको कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे दे रही हूँ खाने के लिए। जब तक ये खाएंगे तब तक मैं ये पालक और वो एक विधि दीदी का है तुम्हारा, ठीक है, 5 मिनट के लिए उसको करूँगी। ज़्यादा ही दोनों बच्चों को दे चुकी हूँ, और देखो इनकी बदमाशी। ये वाला दोनों तो सेम है, गिराना नहीं। लो विधि, ये लो नीचे बैठ के खा। गिर गया ना, देखा, मुझे पता था तुम बिना गिराए खाना ही नहीं आता तुम्हें। चलो खा। तो बच्चों को देखे, यहाँ मैं पालक के जूस की तैयारी कर रही हूँ। तो पालक को अच्छी तरह से धो के कढ़ाई में से डाल दी, टमाटर और लहसुन डाल दी हूँ, और इसको 5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब इसको नहीं पकाना है, हल्का सा बस इसको ब्लांच हल्का सा उबालना है ताकि इसका पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। और वो मैं चढ़ा कर ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और ये आ गई मैं जोतबाजी करने, मेरे शाम का टाइम होता है जोतबाती का, और ये सुबह के टाइम भी पूजा करती हूँ, शाम के टाइम का भी, ये मेरा रूटीन है शाम का, माय इवनिंग रूटीन। और ये देखो सुबह के चढ़ाए हुए फूल थे, बासी फूल थे, वो मैं शाम को निकाल देती हूँ। और ये फ्रंट गेट है मेरे घर के बाहर का, तो यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए गेट खुला रखती हूँ। कहते हैं ना शाम के समय थोड़ा गेट खुला रखना चाहिए, वैसे तो दिन भर मेरा गेट बंद ही रहता है, पर शाम के समय थोड़ा खुला कर देती हूँ। और ये शाम छत पे आ गई, छत पे भी तुलसी माता के सामने एक ज्योत रखती हूँ। सतगुरु एक तुम्हें, तो वही 24 घंटे में भगवान को भी अगर आप 10 मिनट का टाइम भी दे देते तो बहुत बात है, और मैं तो देती हूँ, बहुत टाइम निकालती हूँ भगवान के लिए सारा काम के साथ साथ। तो वो ठंडा होने के बाद वो उसको मैं वो कर ली हूँ, पीस ली हूँ जार में, उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बनाने के बाद ऐसे छन्नी में छान ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना मेरा इतना गाढ़ा गाढ़ा वो पीता नहीं है, हम तो पी लेते हैं। ये छोटा वाला बेटा के लिए ऐसे उसको छान कर नींबू मिलाकर अब उसको पिला रही हूँ। मम्मी के हाथ से पीना है इसको, खुद से नहीं पीना, आराम से पियो, रुक रुक के और थोड़ा सा पी लो, मज़ा आ रहा है ना पीने में। ओहो, आराम से रुक रुक के पियो। फिर करेले का जूस पिलाऊंगी तो उसमें कैसा चेहरा बनाएगा। फिनिश, गुड बॉय, दिखाओ कैसा लगा बोलो। नींबू के जैसा टेस्ट लगा है, मज़ा आया। आप कितने स्ट्रांग बन जाओगे ये पालक का जूस पी के, आपको पता है क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत होती है, कैल्शियम बहुत है इसमें, आप स्ट्रांग बन जाओगे, लिटिल सिंघम बनोगे ना, लिटिल सिंघम। तो पालक जूस बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फायदेमंद है, आयरन भरपूर मात्रा में है इसमें। तो बच्चों को ऐसे बहला के मैं पिला देती हूँ। ब्लॉग थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि लंबी वीडियो बनाओ, तो कैसा लगा बताना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाय।